हाय यूजर, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मस्ट आस्केबल इंटरव्यू क्वेश्चन, जो सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप ट्रंकेट और ड्रीट ड्रीट के बीच बीच में डिफरेंस बताएं। मीन्स ट्रंकेट क्या काम आती है, डिलीट क्या काम आती है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। मैं एक एक करके सभी पार्ट को इसका आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बिट प्रैक्टिकल के साथ हम लोग एसक्यूएल सर्वर में इस पे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे और नोटिफिकेशन पर डाल दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें उसका लाभ आप उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिलीट और ट्रंकेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट और ट्रंकेट के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, जो आपको किसी भी इंटरव्यू को में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ता है। तो पहले देखते हैं कि आप जान लीजिए कि डिलीट और ट्रंकेट जो है एक कमांड यानी स्टेटमेंट है, सीक्वल्स का एक स्टेटमेंट है, जहां पे डिलीट कमांड का यूज हम किसी भी टेबल के रो को और डेटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, पहले जाने कि डिलीट जब आप करते हैं तो डिलीट सिर्फ डेटा को डिलीट करता है। जैसे अगर आप देखे होंगे कि अगर आपका टेबल में 3 आईडी तक आपने डेटा इंसर्ट किया है और 5 आईडी आपने डिलीट कर दिया है, तो आपका अगर फिर से आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो आईडी 11 नंबर से वो मीन्स इंसर्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीक्वेंस में जब आप डिलीट करते हैं तो वो सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, उसका जो स्ट्रक्चर बन गया है उसे वो डिलीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि यदि आप डेटा को डिलीट करते हैं, अगर कोई पूछता है आपसे कि अगर आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके अगर डेटा को डिलीट करते हैं तो क्या वो रो खाली हो जाता है, तो आपको बोलना है नहीं, ये रो खाली नहीं होता है, सिर्फ डेटा दिखती नहीं है हमें। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि अगर मैं एक टेबल लेता हूं तो यहाँ पे मैं डिलीट स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जहां मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जहां पे कस्टमर नेम इक्वल टू अविनाश। अगर मैं डेटा यहाँ से डेटा को अगर डिलीट करता हूँ तो हमारे टेबल में अविनाश नाम का जितना भी कस्टमर होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका रो खाली हो जाएगा, बट रो का जगह वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि जैसे आप डिलीट में मींस आप जब डिलीट करते हैं तो आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल को भी मींस पूरा टेबल के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको डिलीट करना है किसी एक रो का मतलब पार्टिकुलर को, तो आप वेयर क्राउज का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं कर पूरी डेटा को डिलीट करनी है तो वेयर क्राउज का यूज ना करें। ठीक है, उसके बाद है कि डिलीट में क्या होता है कि आप जो भी डेटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, उसको आप रोल बैक कर सकते हैं, जो आप ट्रंकेट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट में आप कोई भी डेटा अगर डिलीट हो गया है तो उसे आप रोल बैक कर सकते हैं, यानी आप पुराना डेटा को आप फिर से वापस ला सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रो है जो अविनाश बहुत सारे जगह पे हैं, तो मैं इस डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ट्रांजेक्शन का यूज किया है, बिगिन ट्रांजेक्शन का यूज किया है, डिलीट फ्रॉम टेबल्स वेयर क्राउज का मैंने यूज किया हूँ, तो अविनाश का पूरा डेटा मैंने डिलीट कर दिया, मेरा 32,768 डेटा को डिलीट मैंने कर दिया हूँ। आप देखिए कि जब मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको कहीं भी अविनाश का डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मैं उसे रोलबैक करता हूँ तो ये डेटा को रोलबैक कर दिया, ये अविनाश का डेटा आपको फिर से दिख जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अविनाश का डेटा आपको दिख गया तो रोलबैक हो सकता है, बट
जब आप ट्रंकेट करते हैं तो आपको ये रोल बैक की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, ट्रंकेट जब आप कमांड मीन्स स्टेटमेंट यानी कमांड का आप यूज करते हैं तो आप पार्टिकुलर मीन्स टेबल के रो के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ट्रंकेट मतलब पूरे डेटा को आपको ट्रंकेट करना है, यानी टेबल को पूरा खाली करना है। ट्रंकेट करने से ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि जब आप किसी टेबल को ट्रंकेट करते हैं तो वो पूरा स्ट्रक्चर यानी आपका जो भी डेटा होता है यानी वो सभी को वो रिमूव कर देता है, यानी उसका किसी चीज को वहां पे वो नहीं छोड़ता। जैसे डिलीट में डेटा आप डिलीट करते हैं तो वो तो रो तो आपका डिलीट हो जाता है लेकिन उसका पार्टिकुलर स्पेस बचा रहता है, लेकिन ट्रंकेट करते हैं तो उसका पार्टिकुलर स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भी चीज को आप जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आप एक चीज को जलाते हैं, जैसे लाइक उसके अंदर कुछ लोहा के सामान है तो लोहा वो नहीं जलेगा। ठीक है, उसी तरह डिलीट स्टेटमेंट का ये चीज है, बट ट्रंकेट का है कि वो उसको भी जला देगा यानी वो पूरा खाली कर देगा। ठीक है, अब एक चीज जान जाइए कि डिलीट और ट्रंकेट, डिलीट जो है वो डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से आया हुआ है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फैमिली से आया हुआ है, और ट्रंकेट जो आया है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज फैमिली से आया हुआ है। ये चार तरह के फैमिली होते हैं, मैं आपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हूँ, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और सबसे मेन ये चीज होता है कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन फास्ट होता है, डिलीट फास्ट होता है या ट्रंकेट फास्ट होता है, तो आपको एकदम क्लियर जवाब देना है कि ट्रंकेट फास्ट होता है। ठीक है, डिलीट फास्ट नहीं काम करती है, ट्रंकेट फास्ट काम करती है डेटा को रिमूव करने के लिए। तो आशा करते हैं कि ये चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये चीज सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या आप एक्सपीरियंस बंदे हो या आप नॉन एक्सपीरियंस बंदे हो, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिलीट कमांड यूज टू डिलीट ए रो, किसी भी रो को या टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वेयर क्लॉज यूज करके आप रो के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और वेयर क्लॉज यूज ना करें तो टेबल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि यू कैन रोल बैक द डेटा आफ्टर यूजिंग द डिलीट कमांड। आप डिलीट कमांड का यूज करके डेटा को अगर आप डिलीट कर दिए हैं तो रोल बैक का यूज करके आप उसको फिर से वापस ला सकते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया हूँ। ठीक है, डिलीट कमांड जो होता है डीमेल फैमिली से होता है, यानी डीमेल कमांड होता है उसका, ये स्लो होता है ट्रंकेट से। ट्रंकेट के बारे में जानते हैं, ट्रंकेट इज यूज टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल्स। ये इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, अगर ट्रंकेट आपका यूज करते हैं तो ट्रंकेट मतलब पूरा डेटा को आपको डिलीट करना है। ठीक है, आप डेटा को रोल बैक नहीं कर सकते, अगर ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं तो डेटा को फिर से रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ट्रंकेट डेटा डिफिनेशन फैमिली से है और ये डिलीट से फास्ट होता है। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।